आज हम लोग सीखेंगे बोर्ड की वायरिंग। दोस्तों ये एक साधारण बोर्ड है, इसमें एक टू पिन सॉकेट लगी हुई है और दो स्विच लगी हुई है और एक बल्ब होल्डर लगा हुआ है। इसी का आज हम लोग कनेक्शन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, पीछे से हम लोग पीछे के साइड से हम लोग देख लेते हैं, ये इस तरीके का है। तो थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा ढीला है। तो ये देखिए एक बल्ब है, बल्ब होल्डर है और यहाँ पे दो स्विच है और यहाँ पे एक टू पिन सॉकेट है। इसी का हम लोग आज करेंगे कनेक्शन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फेस के लिए है एक रेड वायर और न्यूट्रल के लिए है ब्लैक वायर। तो दोस्तों सबसे पहले हम न्यूट्रल के जो तार हमारा रहेगा, जो वायर रहेगा, उसको हम जो भी उपकरण रहेंगे उसके एक एक पॉइंट पेंट कर देंगे। तो एक उपकरण ये है और दूसरा ये है, इसके दो दो पॉइंट यहाँ पे हैं। देखिए दो दो पॉइंट यहाँ पे हैं, ये जो है एक होल्डर का और एक टू पिन सॉकेट का। तो इसके एक एक पॉइंट पे इन करना। चलिए जोड़ देते हैं इसको। एक यहाँ पर हो गया और दूसरा हमको इस होल्डर को देना है। तो होल्डर का ये दो पॉइंट इसमें एक जोड़ेंगे हम। और ये एक निकाल लेंगे बाहर, इस पर हम सप्लाई देंगे। तो हमने न्यूट्रल का जो तार था, एक तार इस वाले उपकरण पे जोड़ दिया टू पिन सॉकेट में और दूसरा जो हमारा बल्ब था उस पे जोड़ दिया और वहाँ से फिर निकाल लिए इसको बाहर। इस पर हम सप्लाई देंगे, ये काम करेगा। तो अब उसके बाद यहाँ पे अब रेड वायर का जो हमारी स्विच है उसको फेस देना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे फेस के तार को इन कर देते हैं। जो नीचे वाले पॉइंट है दोनों उस पर इन करना है हमको जो स्विच का। देखिए दोस्तों ये दोनों स्विच हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये स्विच है। तो आप इसके नीचे भी इन कर सकते हैं, ऊपर भी इन कर सकते हैं फेस को, बट रूल जो है वो ये है कि आप इसके नीचे वाले पॉइंट पे इन करिए। तो जितने भी स्विच रहेंगे, मतलब हमारे पास दो स्विच हैं, तो हम इसके दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर इन कर देंगे फेस वाले सप्लाई को। चलिए यहाँ पर आ गया, इसको हम कस देते हैं। ये हो गया। अब तीसरा रूल बचा हुआ है, फेस तो हमने स्विच के नीचे इन कर दिए हम। अब उसके बाद फेस को स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा के हमको करना है एक अपने इस वाले उपकरण पे जो होल्डर है और एक इस वाले पे जो ये टू पिन सॉकेट है। तो चलिए इसको भी इन कर देते हैं आउट करा करके। हमें इस वाली स्विच से इसको चलाना है जो हमारा होल्डर है, बल्ब है, तो इससे हम आउट करा करके इसको सप्लाई दे देंगे। तो ये इससे चलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको कनेक्शन को लूज नहीं छोड़ना है, क्योंकि कनेक्शन लूज रहेगा तो फिर यहाँ पे साथ सर्किट ये स्पार्क करके आपकी स्विच भी ख़राब हो सकती है, इसलिए आपको पूरा टाइट कर दे रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद ये वाली स्विच बची हुई है अभी। अब इसका हम उठा करके जो हमारा एक टर्मिनल बचा हुआ है ये जो टू पिन सॉकेट का, उस पर हम इन कर देंगे तो हमारी बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी।
कि स्विच के ऊपर वाली पॉइंट है। यहाँ पिन कर दिए। अब यहाँ पे इसको लगाने के बाद यहाँ से अब इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे जो हमारी टू पिन साकेट है। तो ये वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे दोस्तों वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं आप दोस्तों के पास समझा देता हूँ सही से। देखिए रूल के हिसाब से लोग काम करते हैं। तो पहला रूल क्या है कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक पॉइंट पे जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए एक उपकरण ये है, दूसरा ये है, साकेट एक है और एक होल्डर है यहाँ पर जिसमें बल्ब लगाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि एक पॉइंट पे इस पर हमने न्यूट्रल इन कर दिया साकेट के, और दूसरा यहाँ पर जो होल्डर है बल्ब वाला उस पर इन कर दिया, और वहीं से आउट करा लिया, इस पर हम सप्लाई देंगे तो ये अभी काम करेगा। तो और जो फेस वाला है, हम दूसरा रूल क्या कह रहा है कि फेस वाले तार को स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ देते हैं, जितने भी स्विच रहेंगे। तो यहाँ पे हमने नीचे वाले पॉइंट पे फेस वाले तार को जोड़ दिया है। अब फिर तीसरा कह रहा है कि फेस वाले, तीसरा रूल कह रहा है कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस को आउट करके, ये दो स्विच हैं इसके ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा करके फेस को बचे हुए उपकरणों के एक एक पॉइंट पे जोड़ना है। तो यहाँ से आउट करा करके जो बचा पॉइंट था उपकरण, इसको चलाना था बल्ब को, यहाँ पे हमने जोड़ दिया। और फिर उसके बाद यहाँ से इस वाले स्विच से आउट करा करके इसको हम दे दिए साकेट को। तो अब ये इससे साकेट चलेगी इस वाले बटन से, और इस वाले बटन से ये बल्ब चलेगा, बल्ब जलेगा। चलिए दोस्तों तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये वायरिंग सही हुई या फिर नहीं हुई। तो इसके लिए हमें साकेट में लगाना पड़ेगा, सप्लाई देना पड़ेगा इसको। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक बल्ब भी लगा देते हैं। और ये हमारे पास एक सप्लाई बोर्ड है, इसी में हम इसको चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं दोस्तों। चलिए चेक करते हैं इसको कि ये हमारे जो कनेक्शन हमने किया है ये कनेक्शन सही है या फिर नहीं सही। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम इसको सप्लाई दे देंगे, उसके बाद इसको ऑन करेंगे। तो ये पहले से ऑन था। तो देखिए इसको जब हम ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलेगा, और जब इसको ऑन करेंगे तो ये जो हमारा टू पिन साकेट है ये काम करेगा। देखिए यहाँ अभी टेस्टर का बल्ब जलेगा। तो दोस्तों यहाँ बहुत हल्का बल्ब जल रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं इस बल्ब को इस होल्डर में लगाकर दिखाऊंगा कि ये साकेट हमारी सही है या नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया, अब बल्ब हमारा सही है, मतलब होल्डर कनेक्शन वाला सही है। अब उसके बाद अब इसको हम इसमें लगा के इस पर चेक कर लेते हैं कि ये साकेट हमारी सही है या फिर नहीं सही है। इसको इसमें डाल देते हैं और इस बल्ब को करते हैं ऑन। तो देखिए दोस्तों ये भी जल रहा है, इसका मतलब जो हमने कनेक्शन किया वो एकदम सही है। तो इसी तरीके हम लोग कनेक्शन करते हैं एकदम आसान तरीके से। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।